हाँ तो कैसे हैं आप सब, वेलकम टू माई चैनल गाइज। तो आज हम आपको एक आर्टिस्ट से मिलवाएंगे जो कि हमारे पीजी में रहता है। तो लेट्स मूव गाइज। हाँ तो गाइज ये रूम 103, लेट्स सी एंड लेट्स एंटर। ओह माय गॉड। हाँ तो गाइस ये जो आर्टिस्ट हैं ये हमारे पंजाब से आए हैं, पंजाब के मुक्तसर से। तो आइए हम इनसे थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। सत श्री अकाल गाइस, मेरा नाम है सौरभ गिल, श्री मुक्तसर साहब पंजाब। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो आपको उसके लिए क्या क्या चीज़ वो रहेगी। आप इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है, सबसे पहले तो डेली लाइफ पर आपको स्केचिंग करनी है। जो भी आपको दिखता है इंटरेस्टिंग लगता है उसको आप स्केच करिए। और कॉलेज ऑफ आर्ट जो है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में आता है, तिलक मार्ग पर है और सुप्रीम कोर्ट के नियर है। तो इसमें मैं बीएफए कर रहा हूँ जो कि बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स रहती है। बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स में बेसिकली ये 4 साल की डिग्री रहती है, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से आप अपने स्ट्रीम के हिसाब से आप डिपार्टमेंट्स चुन सकते हो। और इन डिपार्टमेंट्स में आपको नई नई चीज़ें सीखने के मिल सकती है, जैसे कि पेंटिंग में आपको पोर्ट्रेट्स बनाना, कंपोजिशन बनाना, आउटडोर्स करना, ये आपको रहेगा। स्कल्पचर जो रहता है उसमें मूर्तियाँ बनाना, ये रहेगा। प्रिंट मेकिंग में आपको प्रिंट्स बनाना, ये इंटरेस्टिंग चीज़ें रहती हैं। और विजुअल कम्युनिकेशन जो रहता है उसमें फोटोग्राफी वगैरह, एनिमेशंस, ग्राफिक्स, इसमें आप मूवी लाइन्स में भी जा सकते हैं, वीडियोग्राफी करना। और जो अप्लाइड आर्ट्स रहता है जिसमें प्रोडक्ट मैनेजमेंट का आ जाता है, जैसे आप कंपनीज के वो बना सकते हो, एड्स वगैरह, एडवर्टाइजमेंट का रहता है। और इसमें वो स्कोप रहता है कि आप मूवीज़ के पोस्टर वगैरह ये सब बना सकते हो। तो मैं एक आपसे बात पूछना चाहता हूँ, मतलब अपने कॉलेज के बारे में बताइए, कुछ आपके प्रोफेसर्स कैसे हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में मतलब आके आपको कैसा लगा? दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा लगा मेरे को। मतलब बचपन से ये सपना था कि किसी बढ़िया कॉलेज में जाएं। तो ये टॉप 10 कॉलेजेस जो इंडिया के रहते हैं, जैसे जे जे कॉलेज ऑफ आर्ट मुंबई का है, कॉलेज ऑफ आर्ट कोलकाता है और कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली है। तो ये टॉप 10 कॉलेजेस में आता है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। तो बहुत बढ़िया इनकी फैसिलिटीज़ रहती है ऑल टाइम, जो आपको सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का ये कॉलेज का टाइम रहता है, जिसके अंदर प्रोफेसर्स आपको अवेलेबल रहते हैं, जो कि आप अपनी स्किल के हिसाब से आपको इम्प्रूवमेंट करवाते हैं। जैसा कि आप चाहोगे, अगर पोर्ट्रेट्स बनाना है तो आपको पोर्ट्रेट्स की क्लासेस रहेंगी, जिसके अंदर मॉडल्स बैठे रहेंगे और आपको उनका पोर्ट्रेट्स बनाने होते हैं। कॉम्पोजिशंस में आपको अपने कॉलेज का बैकग्राउंड वगैरह बना सकते हो, या आपको जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ लगती हैं आप वहाँ से कॉम्पोजिशंस बना सकते हो। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अगर बीएफए में आप आना चाहते हो, आप एक आर्टिस्ट हैं और आप आगे आर्ट में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आपको पीएफए कोर्स कर लेना चाहिए। वैसे ये ज़रूरी नहीं है, अगर आपके अंदर स्किल है तो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको आगे कैरियर बनाना है तो आप पीएफए कीजिए किसी भी बढ़िया कॉलेज से। इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम रहता है 12th के बाद आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना रहता है, जो कि टाइम टू टाइम आपके पास नोटिफिकेशन आते रहते हैं और ईमेल वगैरह पे आपको सब मिल जाएगा। इनकी वेबसाइट जो है कॉलेज ऑफ आर्ट करके, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। और जो भी आर्टिस्ट का आपको दिखता है उसको सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, दिन भर की मेहनत लगती है। तो हम भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में बता रहे थे, तो उसमें क्या रहता है कि एंट्रेंस में आपको कंपोजिशन बनानी रहती है, आपको स्टिल लाइफ बनानी रहती है और एक थ्योरी का एग्ज़ाम होता है। थ्योरी के एग्ज़ाम में आपको हिस्ट्री ऑफ आर्ट का जो रहता है उसमें थ्योरी में एमसीक्यूज आते हैं, जो बेसिकली रहते हैं हिस्ट्री ऑफ आर्ट पे बेसिस। आपको पोर्ट्रेट्स बनाने, मतलब कॉम्पोजिशन बनाने रहते हैं, जिसके अंदर कि आपको कोई भी सीन्स बनाना रहता है, जैसे कोई बस स्टॉप का सीन, कोई मार्केट का सीन, ऐसे सीन्स क्रिएट करने होते हैं। स्टिल लाइफ में आपको सामने कुछ ऑब्जेक्ट दे दी जाएंगे जिनको आपको बैठ के पेंसिल ड्राइंग्स, मेहनत तो हम देख ही सकते हैं कि कितनी लगती है। तो ये आप पेंसिल्स के बारे में बताना चाहेंगे कुछ? तो ये बेसिकली जो चारकोल पेंसिल्स रहती हैं, आपको बताना चाहता हूँ, ये चारकोल पेंसिल रहती हैं, इसमें मीडियम्स, मीडियम हार्ड और सॉफ्ट रहती हैं, 3 बेसिक रहती हैं। ये जो हैं ये वुडलेस स्टिक्स हैं, जो कि रहती हैं कि आप अगर मतलब बड़े एरिया को कवर करना चाहते हो, ग्रेफाइट की स्टिक्स रहती हैं और चारकोल स्टिक रहती हैं। ये जो हैं स्टेडलर की जो
लूना स्टैंडर्ड्स की जो वो बढ़िया वो पेंसिल्स रहती हैं, इसमें हर ग्रेड के आपको पेंसिल्स मिल जाएंगी, जो कि एक आर्टिस्ट के लिए मैंडेटरी रहती है अगर आप वो करना चाहते हो। ये इसमें कुछ मेरा बेसिक सामान है, इसमें इरेजर्स वगैरह रहती हैं, स्टम्प्स वगैरह रहते हैं, वाइट मार्कर जो रहता है ऐसे वो रहते हैं। और चलिए गाइस, अब हम आपको अपनी ड्राइंग और पेंटिंग्स के बारे में थोड़ा बताते हैं। तो आइए दोस्तों, हम इनकी ड्राइंग्स के मतलब स्केचेस के बारे में कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये जानना है कि ये पेपर कौन सा है और ये मतलब ड्राइंग कैसी है। ये ब्लैक A3 साइज का ब्लैक पेपर रहता है, इसके ऊपर वाइट चारकोल के साथ आप पोर्ट्रेट्स बना सकते हो। और इसमें लाइट्स का इफेक्ट रहता है, अगर आपको लाइट्स कैप्चर करनी होती है तो आप वाइट चारकोल पर, वाइट चारकोल से ब्लैक पेपर के ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग जो पोर्ट्रेट्स बनाना और ये कंपोजिशन बनाना बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। तो इनके बारे में कुछ बताइए। ये तो ये जो कुछ फिक्शनल कैरेक्टर हैं जो कि हैरी पॉटर की जो फ्रेंचाइजी है उसके अंदर से लिए गए हैं, जैसे कि ये हरमाइनी का जो है, हरमाइनी ग्रेंजर का, ये एल्बस डंबलडोर का कैरेक्टर है, और ये हमारा फेमस जो बचपन से जो हम देखते आ रहे हैं कार्स वो वाला है। ठीक है, तो इसके पीछे क्या? ये मैंने मदर्स डे पर बनाया था, जिसमें माँ और अपने बच्चे का जो कनेक्शन रहता है उसके बारे में है। इनके बारे में कुछ बताइए। ये तो आप ही की फोटो है। हाँ। लग ही नहीं रही कि मतलब आपने स्केच किया है, ऐसे लग रहा है कि पूरा मतलब रेडीमेड है। हाँ। तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि ये जो ऑयल पेस्टल्स और पेंसिल कलर का वो रहता है, इसमें आपको सेल्फ पोर्ट्रेट्स भी जो कॉलेज में सिखाए जाते हैं, इसमें आपको रहता है कि ये सेल्फ पोर्ट्रेट्स जो हैं वो भी कॉलेज में सिखाए जाते हैं। ये ऑयल पेस्टल और पेंसिल कलर से बनाया गया है जी। तो गाइस, ये जो रहते हैं ये कॉम्पोजिशंस रहते हैं, आपको मैंने बताया था कि कॉम्पोजिशंस क्या पे ट्राई करना है। ये जो है ये आउटडोर का सीन है, जो हमारे गांव के जो गुरुद्वारा साहिब है वहाँ का सीन है। ठीक। ये मेरे दादाजी हैं जिनका मैंने पोर्ट्रेट्स बनाया था, ऑयल पेंटिंग ये आता है। और ये स्टिल लाइफ्स रहती हैं, जो आपको बताया था कि आगे स्टिल लाइफ्स रखी रहेंगी, आपको उसका स्केचिंग करनी है। और ये ग्लास पे लग रहा है ना? ये हाँ जी, हाँ ये ग्लास पे है, इसको रिवर्स एक्रेलिक पेंटिंग बोलते हैं। इसमें ग्लास की बैक साइड पर आपको एक्रेलिक पेंटिंग करनी होती है जी। और ये एक आउटडोर का सीन है। तो वो वाला, ये वाला भी आउटडोर सीन है भाई? ये कॉलेज का सीन ही है, ये भी कॉलेज के कॉम्पोजिशन में आता है, आउटडोर का सीन जो रहता है जी। और ये भी आउटडोर का सीन रहता है नेचुरली जो आपका। ये मैं बहुत ही खास तरीके से मतलब पूछना चाहूंगा, इनके पीछे क्या राज होता है? इनके पीछे तो बेसिकली ये मॉडल स्टडी रहती है, जिसमें आप कॉलेज में आपको एक मॉडल प्रोवाइड करवाया जाता है जिसकी आपको स्टडी करनी होती है। ये ग्रेफाइट पेंसिल्स में रहती है, और ये भी मॉडल स्टडी में आपको बेसिक रॉकेट ड्राइंग जो रहती है उसके बारे में आपको सिखाया जाता है कि बेसिक जो फिगर्स रहती हैं वो कैसे रहती हैं। और इनको ही मिलाकर, ये जो स्टडीज को मिला के हमें एक कॉम्पोजिशन तैयार करना पड़ता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस कॉम्पोजिशन में खास बात यह है कि ये मास्टर आर्टिस्ट जो रहते थे ओल्ड टाइम के, जो उनके जो फिगर्स रहते थे उनको आपको इंस्पायर होके उनको कॉपी करना था, और ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग कॉम्पोजिशन बनानी थी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि लंदन का सीन है, और इसमें जो फिगर्स जो हैं ओल्ड आर्टिस्ट की थी उनको मैंने इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया है। बहुत ही बढ़िया जो पेंटिंग्स है, खास करके मुझे तो ये सबसे बढ़िया लगी कि आपने मदर्स डे पे बनाई, बहुत ही देखने में मतलब आकर्षक लग रही है ये। तो इस मतलब और भी इनकी कुछ स्केचेस देखते हैं जो इन्होंने मतलब अपने टाइम पे बनाया। तो ये कुछ जो हैं ये स्केचेस आपको दिखा देता हूँ। ये अखिल का स्केच, आपने आपको तो पता ही होगा, ये अखिल का पंजाब का सिंगर है जो, हाँ। जिसका गाना है ना ख्वाब, उसी को ही सिंगर है इनका बनाया था। ये मेरा दोस्त था, उनकी जो सिस्टर थी उनका मैंने स्केच बनाया था। बहुत ही बढ़िया मतलब। ये मेरी कज़न थी जिनका मैंने स्केच बनाया था। ठीक। ये डूडलिंग आर्ट रहती है। डूडलिंग, हाँ। इसमें पेन से डॉट डॉट बना के लगाना होता है। ये भी कंप्लीट, आप देख सकते हैं मतलब ये डॉट्स हैं, पहले तो दूसरे लगा ही नहीं, ये आप देख काफ़ी बढ़िया लग रहा है। इसके आगे रहता है, ये ग्राफिक डिज़ाइन वगैरह में रहता है, जो अप्लाइड आर्ट का लग ही नहीं रहा कि मतलब ड्राइंग्स की हैं, इतना बढ़िया बना। ये आपको स्कल्पचर स्टडी रहता है, जिसके अंदर आपको एक स्कल्पचर को वो स्टडी करना रहता है पेंसिल के साथ। काफ़ी
अच्छा लग रहा है यहाँ पर। थैंक यू। ये मॉडल स्टडी रहता है, इसके अंदर आपको मॉडल्स जो हैं वो बैठाए जाते हैं और उनकी स्टडी करनी होती है। ये जो हमारे इंडियन के जो ओल्ड पुरानी जो फोक आर्ट्स हैं उनके ऊपर ये जो वर्ल्डली पेंटिंग्स रहती हैं ये उसका है। ये इमेजिनेटिव एक कॉम्पोजिशन बनाई थी जिसमें कि मिथिकल हॉर्सेस जो हैं वो उनको इंक्लूड किया गया, जो ऑल टाइप के मिथिकल हॉर्स जैसे कि पेगासस वगैरह हो गया, एम्बर हो गया और ग्रिफिन हो गया, तो इन सब की जो वो है। ये भी स्टिल लाइफ स्टडी है, ये पेंसिल कलर से बनाई गई थी, वो भी पेंसिल कलर से थी। ये स्टिल लाइफ स्टडी है जो पोस्टर कलर से बनाई गई है। और ये जो है ये कोलाज का काम रहता है। ठीक, ये लास्ट वाला ये कोलाज का है। हाँ, तो जो भी आपको सबसे पेंटिंग बढ़िया लगी तो कमेंट में मतलब बताना, जो भी लगी आपको सबसे बढ़िया। तो हमारे जो आर्टिस्ट भाई हैं उनकी मैं आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो अगर आपको उसकी उनकी मतलब पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट है थोड़ा सा भी, तो मतलब उनकी इंस्टा आईडी में भी काफ़ी पेंटिंग्स है, तो वो भी देखना। और ताई साहब के यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। हाँ, तो गाइज जो कॉलेज की वेबसाइट है उसकी भी मतलब मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा और इनकी आईडी का भी कर दूंगा, तो मतलब इनको भी फॉलो करना। और जो भी ऐसे पेंटर्स हैं मतलब आर्टिस्ट होते हैं उनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि काफ़ी कम उनको मतलब अहमियत मिलती है। तो आशा करूँगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो गाइज यहाँ मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ, थैंक यू एंड बाय बाय।